पहले वो है एमएस धोनी। छह महीने में, आठ महीने में विराट कोहली के साथ जो भी चीजें हमें नहीं पता चला था बहुत लोगों को, आप बताइए आपके लिए कितना, आपने कहा कि इन सब बातों का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप भी इंसान ही हैं, कई चीजें क्रिटिसिज्म का खासकर बाहर में लोगों से बात की, खासकर मैंने लिटरेचर से पूछा कि विराट के बारे में, उन्होंने कहा आप लोग ऐसी बातें क्यों करते हैं, कई जो जितने ग्रेट से बात होती है वो बोलते हैं कि आप ऐसी बातें करते ही क्यों, विराट कोहली जब ऐसी बातें सुनते हैं तो उनका रिएक्शन क्या होता है, किसने आपको बैक किया इस दौरान में, आप क्या अपनी जर्नी खुद कैसे रही, इसके बारे में जानना चाह रहे हैं। मैं आपको एक चीज बोल सकता हूँ कि जब मैंने टेस्ट कैप्टनसी छोड़ी तो मुझे सिर्फ एक इंसान का मैसेज आया जिनके साथ मैंने खेला हुआ है पहले, वो है एमएस धोनी। और बहुत लोगों के पास मेरा नंबर है और मतलब टीवी पे बहुत लोग सजेशंस देते हैं, टीवी पे बहुत लोगों के पास बोलने के लिए होता है, बट जिनके पास मेरा नंबर है किसी का और मैसेज नहीं आया। तो एक रिस्पेक्ट, एक जो एक कनेक्शन होता है किसी के साथ, वो जब जेन्युइन होता है तो वो इस तरीके से दिखता है, क्योंकि दोनों तरफ सिक्योरिटी होती है, ना उनको मुझसे कुछ चाहिए ना मुझे उनसे कुछ चाहिए, और ना मैं उनसे कभी इनसिक्योर था ना वो कभी मुझसे इनसिक्योर था। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मैं अगर किसी के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं उसको इंडिविजुअली रीच आउट करता हूँ। अगर आपको हेल्प भी करनी है किसी की, मतलब आप सजेशन पूरी दुनिया के आगे देंगे तो फिर उसकी वैल्यू मेरे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि अगर मेरे लिए वो मतलब की चीज़ है मेरी इंप्रूवमेंट के लिए, तो आप वन ऑन वन भी बात कर सकते हैं कि यार जेन्युइनली वांट कि आप अच्छा करो। तो वो समझो, मैं तो अपनी लाइफ बहुत ऑनेस्टी से जीता हूँ तो मुझे ये चीज़ें दिखती हैं। तो ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि मुझे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको सच्चाई दिखती है, बस मैं उतना ही बोल सकता हूँ कि आप जब इतने समय तक खेलते हो, आप ऑनेस्टी से खेलते हो, देने वाला ऊपर वाला ही है, मतलब और मैं इसके आगे कुछ नहीं बोल सकता। बाकी आप हाथ पैर कितने भी मार लो, जब उसने देना है तभी देना है, और कोई कुछ भी नहीं कर सकता इसके बारे में। तो मैं तो अपनी लाइफ ऐसे ही जीता हूँ, और जब तक खेल रहा हूँ, जब तक मैं यहाँ पे खेलने की वर्दी हूँ, मैं ऐसे ही खेल रहा हूँ।